गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 2 इज हाउ डू मेटल एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, मींस एसिड और बेसिस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फिनोमेना होती है या फिर क्या इफेक्ट होता है जब एसिड बेसिक के साथ या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि एसिड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट होते हैं और क्या होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि एसिड जब भी लिटमस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमको पहले तो यही पता होना चाहिए कि एसिड के जो एग्जांपल्स होते हैं वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एसिड में कौन कौन से हैं। तो सम एग्जांपल यू रिमेंबर, फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH। सेकंड वन इज इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट वन है जो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। नंबर थर्ड इज इसके बाद जो नंबर थर्ड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नंबर फोर्थ इज यहां पे जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पे HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला HNO3। ठीक है, तो सभी को इतने फॉर्मूले याद होना चाहिए किस किस से, यहां पे एसिड्स के की कितने चार, फोर टाइप्स ऑफ एसिड के नेम पता होना चाहिए। इसी तरीके से क्या होते हैं यहाँ पे बेसिस, बेसिस में क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सेकंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड ट्वाइस। नंबर थर्ड इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, तो इतने यहां पे पता होने चाहिए। यहां पे और एक और याद रख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH fold twice। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे फोर बेसिस और फोर एसिड्स के नाम हमको रिमेम्बर होने चाहिए। ठीक है, अब जो एसिड और बेस दोनों को इंडिकेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स बोल देते हैं। और अगर बोथ दे आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस बाय एसिडिक और बेसिक मीडिया, एसिडिक और बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में सम सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, उनके जो सब्सटेंस का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है मतलब उसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, अगर ऑर्डर चेंज होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में जो सब्सटेंस होता है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे वेनिला, क्लोव एंड ऑनियन, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बाद यहाँ पे और क्या हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में हमने देखा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लाइक वेनिला, क्लोव एंड ऑनियन, ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कि हाउ डू मेटल एंड बेस एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। ठीक है,
या फिर एमेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक्टिविटी यहां पे मेंशन होती है कि जब भी एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यहां पे, तो यहां पे जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अगर एसिड ले लेते हैं यहाँ पे HCl प्लस मेटल ले लिया अगर हमने जिंक, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 मीन हाइड्रोजन गैस, मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, तो जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से, और क्या ले सकते हैं, जब भी हमारे बेसिस रिएक्ट विद मेटल, अगर बेस यहां पे ले लेते हैं NaOH रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म क्या बन जाएगा यहां पे NaZO2, उसको क्या बोलते हैं यहां पे Na2ZO2, उसको क्या बोलते हैं जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसको बोल देंगे हम लोग सोडियम जिंक के, सोडियम जिंक केट, तो सोडियम जिंक केट का फॉर्मेशन हो जाएगा जब भी हम लोग एसिड बेस को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ टू फॉर्म सोडियम जिंक केट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या बनता है, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, सेम यहां पर बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों केसेस में यहां पे जो होता है सब्सटेंस फॉर्म होते हैं मीन, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, एक जैसे अरेंजमेंट होता है हम किस तरीके से इसको इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पे हमने एक अरेंजमेंट कर लिया, यहां पे हमने क्या कर लिया, एक यहां पे बीकर ले लिया टेस्ट क्यूब के अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पे सोडियम मेटल ले लेंगे, ठीक है, और सोडियम मेटल के साथ इसमें क्या कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिड को क्या कर देंगे इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पे रिएक्ट विद एसिड, यहाँ पे मतलब एसिड प्लस हाइड्रोजन एसिड प्लस मेटल, ठीक है, तो एसिड और मेटल यहाँ पे मिला देंगे, मीन्स यहाँ पे हमने क्या डाल देंगे जिंक ग्रेनुअल प्लस H2SO4, ठीक है, तो जिंक ग्रेनुअल प्लस H2SO4 जब इसमें मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी क्या हाइड्रोजन गैस, यहां पे क्या हो जाएगी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस किसके थ्रू पास होगी, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस यहां पे क्या हो जाएगी जैसे इसमें से पास हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस से पास हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन गैस पास होगी हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, यहां पे क्या होने लगेंगे बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, और बबल्स फॉर्म होने लगेंगे तो हम क्या कर देंगे उसको कैंडल से यहां पे जो बबल बनेंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, आप एक साउंड पॉप साउंड जो होंगे वो प्रोड्यूस करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे एसिड और मेटल जब रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो बबल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, है ना, जो बबल्स फॉर्म होते हैं उसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम लोग जब भी करते हैं इससे क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस इससे पास हो जाती है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट होता है कि जब भी एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, सो थैंक यू सो मच।